हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज ड्राइव। मैं हूं धवल ठाकुर और आज हम डिस्कस करने वाला है कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इनके पहले वाले लेक्चर्स में हमने फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी डिस्कस किए हैं। आप वो वाले वीडियोज भी जरूर देखिएगा ताकि आपको और ज़्यादा कनेक्टेड फील हो। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के कंसेप्ट के साथ, जो है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी एंड देयर रिलेशनशिप। सबसे पहले हम शुरू करेंगे टोटल यूटिलिटी के साथ। टोटल यूटिलिटी क्या है? अगर कोई कमोडिटी एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है, लेट्स से देयर आर 6, 7 or 10 यूनिट्स ऑफ दैट कमोडिटी। अब वो कमोडिटी एप्पल हो सकती है, मैंगो हो सकती है, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी कमोडिटी हो सकती है। अगर आप उस कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो आफ्टर कंज्यूमिंग दैट पर्टिकुलर कमोडिटी डेफिनेटली यू विल डिराइव सम यूटिलिटी, क्योंकि आपकी कोई ना कोई ज़रूरत उस कमोडिटी को कंज्यूम करने से पूरी हो रही होगी। तो आप जितने भी यूनिट्स कंज्यूम करते हो और जितने यूनिट्स कंज्यूम करने से आपको जितनी यूटिलिटी वांट सेटिस्फाइंग पावर जो मिलेगी, वही और उन सभी यूटिलिटी की सम टोटल, इन सब की टोटल ही क्या कहलाएगी? टोटल यूटिलिटी। जानता हूँ सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स कंसिडर एन एग्जाम्पल। और हमारे लिए वो जो कमोडिटी है वो हो सकता है एक मैंगो, ठीक है। आपको मैंगोज कंज्यूम करना है एंड देयर आर 5 to 6 or 7 or 10 मैंगोज जो आपके सामने हैं। आपने पहला मैंगो कंज्यूम किया, आपको बहुत अच्छा लगा, पहला मैंगो था, सीजन का फर्स्ट मैंगो था, आपको बहुत अच्छा लगा, आपको लगा और एक मैंगो खाना चाहिए, आपने और एक मैंगो कंज्यूम किया, आपको और अच्छा लगा। तो वैसे ही आप जितने टोटल मैंगोज कंज्यूम करने से आपको जितना सेटिस्फैक्शन डिराइव होगा, जितना आपको उसकी यूटिलिटी मिलेगी, उसी की सम टोटल को ही हम क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी। सो व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी इज द एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर From all the units of commodity consumed। अगर आपके सामने जितने या फिर आपके पास जितने भी units हैं, अगर आप उन सारे units को consume कर लेते हो, या फिर आपको जितने consume करने हैं आप अगर आप उतने ही consume कर लेते हो, तो सारे units consume करने के बाद आपको जो utility मिलेगी उस utility की sum total को ही क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी। सो डू रिमेंबर, टोटल यूटिलिटी इज द एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। आपके सामने जितने मैंगोस थे, आपने सारे आम खा लिए, तो सारे आम कंज्यूम करने के बाद आपको जो यूटिलिटी मिली उस यूटिलिटी का सम टोटल ही क्या कहलाएगा? टोटल यूटिलिटी। जिसे बच्चों सिंबॉलिकली भी एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है आपको ध्यान में रखना है, दैट टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू, देखो टी यू स्टैंड्स फॉर टोटल यूटिलिटी एंड एम यू स्टैंड्स फॉर मार्जिनल यूटिलिटी। सर हमने तो मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा ही नहीं, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली कैसे समझ में आएगा? डोंट वरी, जब मार्जिनल यूटिलिटी बता दूंगा तब आपको समझ में आएगा। अभी के लिए सिर्फ आप इसे देख के रखिए, समझाऊंगा इस मार्जिनल यूटिलिटी के बाद। सो टोटल यूटिलिटी इज समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अगेन मार्जिनल यूटिलिटी आ गया, तो मार्जिनल यूटिलिटी डिस्कस करने के बाद ही इनके सिंबॉलिक एक्सप्रेशन को हम डिटेल से समझते हैं। तो पहला कंसेप्ट टोटल यूटिलिटी जो आपने समझ लिया है वो है क्या है? टोटल यूटिलिटी इज एग्रीगेट यूटिलिटी। नाम ही है इसका टोटल, टोटल मतलब एग्रीगेट। एग्रीगेट यूटिलिटी कहाँ से मिली? फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द कमोडिटीज। आपके पास जितनी कमोडिटीज थी वो आपने कंज्यूम कर ली, वो आपने यूज कर ली, वो आपने कंज्यूम कर ली, उससे जो आपको यूटिलिटी मिली वो हो गई हमारी टोटल यूटिलिटी। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है बच्चों? मार्जिनल यूटिलिटी। और जैसे ही आप इस वर्ड को देखोगे मार्जिनल, आज के बाद जहां पर भी इकोनॉमिक्स में आप ये वर्ड देखोगे मार्जिनल, आप ध्यान में रखना यहां बात हो रही है एडिशनल की। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है बच्चों? एडिशनल यूटिलिटी। कैसे? ध्यान से देखिए। लेट्स से आपने जो फर्स्ट मैंगो कंज्यूम किया उससे आपको जो यूटिलिटी डिराइव्ड हुई, राइट, फिर आपने दूसरा मैंगो कंज्यूम किया, वो दूसरा मैंगो कंज्यूम करने के बाद आपको थोड़ी और यूटिलिटी डिराइव हुई होगी, थोड़ी और यूटिलिटी मिली होगी, तो वो थोड़ी और कितनी एडिशनल यूटिलिटी आप डिराइव करते हो फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी, उसी को कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। सो मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर। जो एडिशनल यूटिलिटी है जो उस कंज्यूमर को मिलेगी, एडिशनल यूटिलिटी कंज्यूमर को कैसे मिलेगी? फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड। जब आप एक से ज्यादा और एक
यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करोगे, एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करने से जो आपको एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलेगी, एडिशनल यूटिलिटी मिलेगी, उसी एडिशनल यूटिलिटी को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। सो डू रिमेंबर, मार्जिनल का मतलब हो गया एडिशनल यूटिलिटी, और इन दोनों कंसेप्ट को साथ में समझने के लिए ही यहाँ पर हमने ये शेड्यूल और ये डायग्राम जो आधा प्रिपेयर है आधा हम प्रिपेयर करेंगे साथ में, तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने कहा मार्जिनल मतलब एडिशनल यूटिलिटी। अब जब हमने पहले के दो लेक्चर्स में जब हमने फीचर्स वाला जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था दैट यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। यूटिलिटी क्या है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, इसको एक्चुअली नंबर्स में मेजर करना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी हम समझने के लिए अंदाजे से कोई एक फिगर हम लेते हैं जिससे हम इसको प्रॉपरली समझ सके। तो एक्चुअल में यूटिलिटी कैसा है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, राइट। जैसे मैंने मैंगो का एग्जांपल लिया, हो सकता है, वैसे ऑलमोस्ट मैंगो सबको पसंद है, बट ऐसा कोई भी हो सकता है वो कहेगा मुझे तो मैंगो पसंद ही नहीं है। हमने पढ़ा था ना यूटिलिटी में सब्जेक्टिव कंसेप्ट विच डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते चलिएगा और चीज़ों को समझते चलिएगा एक एग्जाम्पल्स के फॉर्म में। तो बच्चों टोटल के लिए हमने कहा कि जितने भी यूनिट्स कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिलेगी वो हो गई हमारी टोटल यूटिलिटी, और एक एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिलेगी वो हो गई हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी के फॉर्मूले में यहाँ लिखा हुआ है टोटल यूटिलिटी, ये एन है, इसे पढ़ा जाता है टोटल यूटिलिटी ऑफ एंथ यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी फ्रॉम प्रीवियस यूनिट। एन माइनस वन मतलब जो उसके पहले वाला यूनिट होगा उससे जितनी यूटिलिटी मिली उसको माइनस कर लो तो आपको उसकी मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगी। इन दोनों सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस को मैं इस टेबल के साथ, इस पर्टिकुलर शेड्यूल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो शुरू करते हैं हम हमारा रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ एग्जांपल के लिए बच्चों मैंने यहाँ पर आपके सामने 7 कमोडिटीज लिखी हुई हैं और हमने माना है कि वो है कमोडिटी वाई। एक्स भी ले सकते थे, जी भी ले सकते थे, कोई भी ले सकते थे, मैंगो भी लिख सकते थे, बट मुझे लिखना था वाई तो मैंने लिखा वाई। सो कमोडिटी वाई हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है। 7 यूनिट्स हैं उस कमोडिटी के जो एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है और उसमें हमने टोटल यूटिलिटी लिखी है एंड मार्जिनल यूटिलिटी। सर ये आपने तो पहले से लिख लिया, हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन, सर हमारा तो इस प्रॉपर फॉर्मेट में आता ही नहीं है, हमने देखा था कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो बच्चों इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, अभी तो आप मुझे सुनिए। लास्ट में मतलब एकदम वीडियो वाले लास्ट में नहीं, वो वैसा वाला नहीं, यहीं पर ये कंसेप्ट खत्म होने पर ही आपको बता दी जाएगी। तो शुरू करते हैं हम पहले यूनिट के साथ। आप इस वाई कमोडिटी को मैंगो समझ लीजिए। सो आपने फर्स्ट यूनिट ऑफ दैट मैंगो कंज्यूम किया, आफ्टर कंज्यूमिंग द फर्स्ट यूनिट ऑफ मैंगो आपको जो यूटिलिटी डिराइव हुई हमने उसे नंबर्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। तो हमें कितनी यूटिलिटी मिली बच्चों, 10। फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी हमने कंज्यूम किया, हमको कितना यूटिलिटी मिला, 10, राइट। फिर उसके बाद यहाँ देखिए मार्जिनल यूटिलिटी भी लिखा, फर्स्ट यूनिट 10 यूनिट्स हमें सेटिस्फैक्शन मिला, सेकेंड यूनिट्स के लिए भी हमको कितना मिला, 10 यूनिट्स हमें सेटिस्फैक्शन मिला। अब जैसे ही मैं फर्स्ट यूनिट के बाद सेकेंड यूनिट, इस हॉर्न के लिए माफी चाहता हूँ बट वो बचता रहेगा, उसका कुछ नहीं हो सकता। फर्स्ट के बाद जैसे ही हम सेकेंड यूनिट कंज्यूम करेंगे तो हमें कुछ एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलेगी, और वो एक्स्ट्रा का मतलब कौन सी बच्चों, एडिशनल यूटिलिटी। तो पहले यूनिट हमने जब कंज्यूम किया तो हमें कितनी यूटिलिटी मिली थी, 10। जब हम सेकेंड यूनिट कंज्यूम करेंगे, राइट, तो सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने के बाद हमें थोड़ा और अच्छा लगेगा, राइट। तो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने से हमें कितनी यूटिलिटी मिली थी, 10। फिर सेकेंड यूनिट हमने कंज्यूम किया तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई, 18। टोटल यूटिलिटी 18 हो गई, बट बच्चों ये 10 से 18 आने में यहाँ पर इंक्रीज कितने का है, 8 से, ध्यान रखिएगा, राइट। फिर जैसे ही हम सेकेंड से थर्ड मैंगो कंज्यूम करते हैं तो हमारी यूटिलिटी हो जाती है 18 to 24। यहाँ पर हमारा ये जो इंक्रीज है ये कितने का है, बाय 6 यूनिट्स। जैसे ही हम फोर्थ से फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करते हैं, चलिए यहाँ ये भी रह गया, जैसे हम उसके बाद नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम करेंगे तो हमें कितनी एडिशनल यूटिलिटी डिराइव हो रही है, 4। जैसे हम यहाँ पर और एक यूनिट कंज्यूम करेंगे, +2। फिर यहाँ से यहाँ पर, सर यहाँ तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, और यहाँ पर आने के बाद तो -2 हो चुकी है। मतलब यहाँ पर अगर हम देखेंगे टोटल यूटिलिटी, तो ये जो टोटल यूटिलिटी है वो जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये बढ़ रही है टोटल यूटिलिटी। जैसे जैसे देखिए, हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया इट वॉज 10, सेकेंड यूनिट के टाइम इट वॉज 18। डोंट वरी, मैं एंड में आपको बता दूंगा ये लिखना कैसे है, ये फ्रेम कैसे करना है। सो आराम से सुनिए,
सो फर्स्ट यूनिट हमने कंज्यूम किया 10 था, सेकेंड यूनिट हमने कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी 18 बढ़ गई, थर्ड यूनिट इंक्रीज किया और बढ़ रही है, फोर्थ में इंक्रीज है, फिफ्थ में इंक्रीज है, सिक्स में इंक्रीज है, सेवेंथ यूनिट कंज्यूम करने पर ये थोड़ी सी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। ऐसे ही अगर हम इस मार्जिनल यूटिलिटी को ऑब्जर्व करते हैं, मैं इनका रिलेशन बताऊंगा आपको अभी तो जब हम ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी पहला यूनिट, लेट्स इसके पहले अगर मैं कोई यूनिट लिखूं तो उसके पहले हमने कोई भी कमोडिटी कंज्यूम नहीं की होगी, तब कुछ भी टोटल यूटिलिटी नहीं थी, मतलब ये कितनी रही होगी, जीरो। तो जीरो के बाद जैसे हमने पहला कमोडिटी कंज्यूम किया तो जीरो टू टेन डायरेक्टली कितना इंक्रीज हुआ है, 10 से। इसीलिए बच्चों फर्स्ट यूनिट के लिए मार्जिनल यूटिलिटी कितनी लिखी है, 10, विच इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी फॉर द फर्स्ट यूनिट। अब यहां से जैसे ही 10 से 18 हुआ, कितने से बड़ा है, 8 से, 8 यूनिट की बच्चों क्या है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। फिर यहां से 18 टू 24 आने पर कितने से बड़ा है, 6 से, तो वही 6 क्या है, वही 6 क्या है हमारी यहां पर, मार्जिनल यूटिलिटी। और ये आपको आई थिंक सो समझ में आ रहा होगा। फिर जैसे यहाँ पर 18 टू 24 हुआ, कितने से इंक्रीज हुआ है, बाय 6। 24 टू 28 कितने से इंक्रीज हुआ है, बाय 4। 30, 28 टू 30 बाय 2, एंड 30 टू 30 0, एंड 30 टू 28 माइनस 2। मतलब यहाँ पर ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। 10 टू 8, 8 टू 6, 6 टू 4, 4 टू 2, 2 टू 0 और 0 टू माइनस 2। एक पॉइंट पर आने के बाद मार्जिनल यूटिलिटी 0 भी हो गई है और नेगेटिव भी हो गई है। ऑन दी अदर हैंड टोटल यूटिलिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। बट कैसे इंक्रीज हो रही थी, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये 10 से 18, 18 से 24, 24 से 28, 28 से 30, दैट मीन्स टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग रेट। बढ़ तो रहा है बट उसी रेट से नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा कम धीरे 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 बढ़ रहा है। और अगर हम बात करें मार्जिनल यूटिलिटी की, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, और ये जीरो होने के बाद एक पॉइंट पे तो नेगेटिव भी हो रहा है। ये तो था हमारा इनको देखकर ऑब्जर्वेशन। सर अब ये हमें लिखना कैसे है, अगर एग्जाम में ये टेबल बनाने के लिए आ गया तो हम ये टेबल प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो बच्चों आप हमेशा सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी वाला कॉलम लिखिएगा, आप हमेशा सबसे पहले कौन सा कॉलम लिखेंगे, मार्जिनल। मैं भी अभी आपके लिए लिख लेता हूँ, देखिए हम सबसे पहले हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी वाला जो कॉलम है ना वो वाला कॉलम लिखा करेंगे। इससे क्या होता है, पूरा कॉलम हम इजीली लिख सकते हैं। देखिए अब हमने देखा हुआ एग्जांपल हाइपोथेटिकली, तो जहाँ से भी यूनिट्स भी आप चाहिए तो बाद में लिख सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, मैंने यहाँ पर इस सेवन्थ यूनिट के लिए, ये टेबल थोड़ा सा बनाना भारी पड़ जाएगा, ये मैंने जो रफ कर दिया है मैं जानता हूँ, कोशिश करेंगे पूरी ठीक ठाक ही हो जी। चलिए सो यहाँ पर सेवन्थ यूनिट के लिए बच्चों, ये जो हमारा लास्ट यूनिट है, इस लास्ट यूनिट के लिए हम यहाँ माइनस टू लिख देता हूँ। मैं नीचे से लिखना स्टार्ट करूँगा ताकि बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिकली लिखे, फिर उसके ऊपर वाले के लिए ज़ीरो। अब यहाँ इंक्रीज करते जाइएगा, ठीक है, 2, 4, 6, 8 and 10। देखने में आपको उल्टा दिख रहा है वो, बट जब आप देखेंगे तो वो हमने एकदम प्रॉपरली ड्रॉ किया होगा। सो फर्स्ट यूनिट के लिए इट्स ऑलवेज 10। अब यहाँ देखिए बच्चों, हमने टोटल यूटिलिटी के लिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ देखिए 10, 10 प्लस 8, ये 8 ऐड कर लीजिए, 18, 18 प्लस 6, 24, 24 प्लस 4, 28, 28 प्लस 2, 30, 30 प्लस 0, 30, 30 माइनस 2, 28। और इस तरीके से मैंने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कॉलम भी ड्रॉ कर दिया है। मैंने सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी रिवर्स कॉलम में लिख लिया, फिर इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर फर्स्ट यूनिट का तो 10 सेम होगा, सेकेंड यूनिट के लिए अगर मुझे टोटल यूटिलिटी ढूंढनी है तो यहाँ फॉर्मूला देखिए क्या लिखा है, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी फॉर फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट ऐड करते जाइए। अगर हमें सेकेंड यूनिट के लिए ढूंढना है तो 10 प्लस 8, 18। थर्ड यूनिट के लिए ढूंढना है तो 1, 2, 3। फोर्थ यूनिट के लिए ढूंढना है 1, 2, 3 and 4। फिफ्थ यूनिट के लिए ढूंढना है 1, 2, 3, 4 and 5। सिक्स यूनिट के लिए एंड सेवन्थ यूनिट के लिए, तो इस तरीके से आपको टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी फॉर्मूले से। तो वही हमने लिखा है, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू MU, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ। किसी भी यूनिट का निकालना है आप उन सब की यूटिलिटीज़ को ऐड कर लीजिए, आपको टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। और अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल यूटिलिटी जिसका यूनिट का फाइंड आउट करना है
उसमें से उसके प्रीवियस यूनिट की यूटिलिटी माइनस कर लीजिए। फॉर एन एग्जाम्पल, हमें थर्ड यूनिट के लिए मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो थर्ड यूनिट की टोटल यूटिलिटी कितनी है 24, उसमें से उसके प्रीवियस यूनिट की 24 - 18 इज इक्वल टू 6। तो इस तरीके से आपको मार्जिनल यूटिलिटी भी मिल जाएगी। और एक फाइंड आउट करके बताओ, मान लीजिए आपको मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड आउट करनी है फोर्थ यूनिट की, तो फोर्थ यूनिट की जो यूटिलिटी है वो है 28 - 24 कितना आएगा 4। देखिए सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी प्रॉपरली, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है एट डिमिनिशिंग रेट एंड मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, ये तो था हमारा ऑब्जर्वेशन। अगर हम इस ऑब्जर्वेशन को अगर हम यहाँ पर डायग्राम के फॉर्म में प्लॉट करने की कोशिश करें, तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है ज़रा देख लेते हैं। शुरू करते हैं हम चीज़ों को। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर स्केल आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ कुछ चीज़ें पहले से ड्रॉ करके रखी है, अब हम इनको यहाँ पर प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, पहले मैं टोटल यूटिलिटी को प्लॉट करूँगा। सो फॉर द फर्स्ट यूनिट टी यू, टोटल यूटिलिटी इज 10। सो 8 और 10, तो यहाँ कहीं कुछ बीच में आने की कोशिश होगी शायद से, जी थोड़ा ऊपर नीचे होगा। सेकेंड यूनिट के लिए अगर हम टोटल यूटिलिटी प्लॉट करते हैं तो वो है 18। तो 18 मतलब 16 और 20 के बीच में, तो वो सेकेंड यूनिट के लिए कहीं यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, थर्ड यूनिट के लिए देखते हैं। थर्ड यूनिट के लिए टोटल यूटिलिटी इज 24, तो 24 है थर्ड यूनिट के लिए, तो हम उसे यहाँ कहीं प्लॉट करेंगे। ठीक है, आप स्केल वगैरह प्रॉपर लग के चेक कीजिएगा। फॉर फोर्थ यूनिट टोटल यूटिलिटी इज 24, मैं सिर्फ मार्क करके रख रहा हूँ। फोर्थ यूनिट के लिए कितना है 28 ना, ये हो गया हमारा 24 के बाद 28 जी। फिर उसके बाद फिफ्थ यूनिट के लिए देखेंगे तो 30, फिफ्थ यूनिट के लिए 30, 28 और 32 के बीच में 30, सिक्स यूनिट के लिए भी 30 है तो उन दोनों के बीच में 30, और सेवन्थ यूनिट के लिए देखेंगे तो ये हो चुकी है 28 मतलब वापस से 28 यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है जी। तो इस तरीके से हमने टोटल यूटिलिटी को प्लॉट कर लिया है, और अगर हम इन सारे डॉट्स को मिला दें, टिंग 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 टिंग, ओके सॉरी, ये बच्चों हमने टोटल यूटिलिटी कर्व ड्रॉ कर लिया है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये जो टोटल यूटिलिटी का कर्व है ये कैसे स्लोप हो रहा है, टोटल टी यू कर्व स्लोप्स अपवर्ड। कैसे स्लोप हो रहा है बेटा, अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कह सकते हो। सो टोटल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स अपवर्ड। अब हम प्लॉट करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी कर्व को। सो फर्स्ट यूनिट के लिए और फर्स्ट यूनिट के लिए टी यू और एम यू दोनों सेम था। सेकेंड यूनिट के लिए देखेंगे तो ये 8 हो चुका है, कितना हो चुका है 8, तो ये हमने प्लॉट कर लिया। थर्ड यूनिट के लिए देखेंगे तो ये हो चुका है 6, 6 का मतलब 4 और 8 के बीच में आएगा कहीं, तो ये हमने थर्ड यूनिट के लिए कहीं पर प्लॉट कर लिया। फोर्थ यूनिट के लिए देखेंगे तो ये हो चुका है 4, तो उसको भी हमने प्लॉट कर लिया है फोर्थ यूनिट के लिए। और फिर फिफ्थ यूनिट के लिए अगर हम देखेंगे तो फिफ्थ यूनिट के लिए ये कितना हो चुका है 2, मतलब यहाँ पर हो गया कहीं। सिक्स यूनिट के लिए हम देखेंगे तो वो है 0, मतलब यहाँ पर प्लॉट हो देंगे। और सेवन्थ यूनिट के लिए देखेंगे तो ये कितना हो चुका है -2, ये सेवन्थ यूनिट यहाँ लिख देता हूँ, ये -2, ठीक है, 4, 0, 0 और -4 के बीच में। अगर हम इनको भी ज्वाइन कर लें तो ये हमें टी यू कर्व मिल जाएगा, ये मिल गया हमें हमारा टोटल यूटिलिटी कर्व। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, ध्यान से एम यू जी, सो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, ये कैसे हो रहा है, टोटल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। क्या ये क्लियर है जी। अब जैसे हम यहाँ पर इन सारे ऑब्जर्वेशंस में देखेंगे, या फिर जैसे बच्चों मैं आपको यहाँ पर भी ध्यान देने के लिए कहूँ, तो आपने देखा होगा जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, यहाँ देखिए टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है बट, और यहाँ पर MU 2 है, बट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर टोटल यूटिलिटी क्या है मैक्स और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है 0। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम और मार्जिनल यूटिलिटी बच्चों 0 है, उसी पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ सैटाइटी, सैटाइटी बोलिए कुछ भी कहिए, दैट इज पॉइंट ऑफ सैटाइटी, राइट। सो ये हमें ध्यान रखना है। ये और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायग्राम में, हम इन्हें जैसे ये 6 यूनिट पे है तो वैसे तो ये एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए जो यहाँ पर
शायद से आ भी रही हैं, बट द पॉइंट एट विच टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ सैटाइटी, एंड पॉइंट ऑफ सैटाइटी इज नोन एज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन अ कंज्यूमर ड्राइव्स, व्हेन अ कंज्यूमर इज एट मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्योंकि इसके बाद अगर वो कंज्यूमर कुछ भी चीज कंज्यूम करता है तो ये बन जाता है उसके लिए डिससैटिस्फैक्शन, क्योंकि उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो एडिशनल यूटिलिटी है, वो उसको कुछ भी एडिशनली कुछ भी अच्छा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, अब बस हो गया, मैंगोस खा के वो उसका पेट भर चुका है, अब वो शायद से वो मैंगो वापस से रिवर्स ऑर्डर में उल्टी हो में बाहर भी आ सकते हैं, राइट? कहने का मतलब है कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव पहुंच जाती है तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वो कंज्यूमर और कंजम्पशन, एक रैशनल कंज्यूमर, एक नॉर्मल कंज्यूमर और प्रोडक्ट कंज्यूम कर देना स्टॉप कर देता है, राइट? तो ये जो नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी है ये हमें बताता है पॉइंट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। तो कौन सा है डिससैटिस्फैक्शन? ये वाला जो पॉइंट है ना यहाँ जो जीरो के नीचे है, वो क्या बता रहा है? पॉइंट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। अब मैंने जो चीज़ें आपसे इन जनरल कही वही सारी चीज़ें यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस के फॉर्म में पॉइंट में हमने लिखी हुई हैं, जिन्हें हम ध्यान से देखेंगे और देखते चलेंगे कि हमने सब कुछ कवर किया है या नहीं। सो फर्स्ट, टोटल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स अपवर्ड जी कर रहा है, एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, नॉर्मल सी बात थी। अब अगर हम बात करें सब जगह पर, तो टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेरी फर्स्ट यूनिट कंज्यूम्ड आर सेम। जो हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया है उस फर्स्ट यूनिट के लिए हमारे टी यू और एम यू दोनों कैसी हैं? सेम हैं। क्यों सेम होती हैं? वो मैंने आपको बता दिया बच्चों। अगर लेट्स से जीरो यूनिट आप पहला यूनिट मतलब कुछ कंज्यूम ही नहीं किया है, तो कुछ कंज्यूम ही नहीं किया है तो कुछ यूटिलिटी मिलेगी क्या? नहीं। तो तब टोटल यूटिलिटी भी जीरो होती है और मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या होती है? जीरो। तो जब आप जीरो से फर्स्ट यूनिट पे आते हो, जब आप फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हो, तो आपकी यूटिलिटी कितने से बड़ी? 10 से, और आपकी टोटल यूटिलिटी भी कितनी होती है? 10। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एज द कंज्यूमर कंज्यूम्स फर्दर, इसके आगे अगर कंज्यूमर कंज्यूम करता है फर्स्ट यूनिट के बाद, तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। टी यू इंक्रीज हो रही है, बट कैसे इंक्रीज हो रही थी बच्चों? एट डिक्रीजिंग रेट। मैंने आपको बताया, ये देखिए 0 टू 10 में आने में वो कितने से बड़ी? 10 से। और 10 से 18 आने में वो कितने से बड़ी है? सिर्फ 8 से। इंक्रीज तो हो रही है बट एट डिक्रीजिंग रेट। ये देख रहे हो, यही वो रेट है बच्चों, राइट? वैसे यहाँ साइड में भी लिखी थी मैंने पहले, बट यहाँ से भी आप देख के बता सकते हो। तो ये टी यू इंक्रीज होती है, बट कैसे इंक्रीज होती है? एट डिक्रीजिंग रेट। एंड मार्जिनल यूटिलिटी तो आपको दिख रही है, वो तो स्टार्टिंग से ही कम ही होती जा रही है बेचारी। आगे, एट अ पर्टिकुलर स्टेज, राइट, TU reaches its maximum and MU becomes zero. एक पॉइंट ऐसा आता है जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है एंड मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो, उसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ सैटाइटी, दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इज इट क्लियर? यहाँ पर जो हमारे लिए सिक्स यूनिट पे बच्चों हमने डिराइव किया है, जहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर दिस पॉइंट, अगर इसके बाद अगर आप एडिशनल कंजम्पशन करते हो पॉइंट ऑफ सैटाइटी के आगे जाकर, अगर आप और कंजम्पशन करोगे तो क्या होगा? आफ्टर दिस पॉइंट एनी एडिशनल यूनिट कंज्यूम फर्दर रिजल्ट्स इन डिक्लाइन इन टीयू एंड व्हाइल मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। इसके बाद अगर आप और कंजम्पशन करते हो ना, तो टोटल यूटिलिटी क्या हो गई बच्चों? कम होना, यहाँ देखिए कम होना शुरू हो गई, और मार्जिनल यूटिलिटी कैसी हो गई है? नेगेटिव हो जाती है इसके बात। सो आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ सैटाइटी अ रैशनल कंज्यूमर शुड स्टॉप हिज कंजम्पशन। रैशनल कंज्यूमर मतलब बच्चों एक नॉर्मल कंज्यूमर, एक सामान्य आदमी। सामान्य आदमी से मतलब कॉमन मैन से मतलब यहां पर क्या है? अ कंज्यूमर हु इज ट्राइंग टू मैक्सिमाइज हिज सैटिस्फैक्शन, उसे कहा गया है रैशनल कंज्यूमर। तो वैसा रैशनल कंज्यूमर जिसको सिर्फ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए, वो मिल गया बस, वो खुश है, उसके आगे उसको और कुछ गड़बड़ करना नहीं है। सो कहाँ थे हम? या सो द कंज्यूमशन बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सैटाइटी ट्रांसफॉर्म सेटिस्फैक्शन इनटू डिससैटिस्फैक्शन। और इसके आगे अगर आपने कुछ भी कंज्यूम किया तो तुम्हारा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिससैटिस्फैक्शन में। मतलब अब मजा आना बंद हो जाएगा और अब बस हो गया, ऐसे हो सकता है, राइट? तो आपको और मतलब आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो डिससैटिस्फैक्शन में कन्वर्ट हो, इसके पहले इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। बाय, टेक केयर।